मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी देश के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरे प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, 15 अगस्त को हमारे देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को देश गणराज्य घोषित किया गया। वैसे ही 14 सितंबर को हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोग के भाषा, जनसाधारण भाषा, साहित्य संबंध भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया था। इसी वजह से 14 सितंबर को पूरे देश हिंदी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में रंगारंगी कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी हमारे देश की अधिकांश लोगों की भाषा है, अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी है। इस दुनिया पर हिंदी बोलने वालों को हम देख सकते हैं। हम केरल वाले अहिंदी प्रदेश में है, फिर भी बड़ी रुचि के साथ हम हिंदी सीखते हैं और अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा की उन्नति एवं विकास के लिए कार्यरत होना हम हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है। विद्यार्थी होते हुए हिंदी भाषा के अध्ययन जरूर करना चाहिए, हिंदी के प्रति लगाव रखना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारे आशा, हिंदी भारत की बिंदी, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। इस शब्द के साथ मैं एक और बार हमारे तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।